एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू चोरी चक्कारी विद पेरी गोज वाइल्ड। सो यस, आज हम लोग फिर से एक और शोरूम में डाका डालेंगे। एंड आज हम लोग का जो शोरूम होने वाला है वो कोई एरा कैरा नथु कैरा शोरूम नहीं होने वाला है दोस्तों, बल्कि होने वाला है लिटरली गोल्डन लैम्बोस का शोरूम। एंड यहाँ का आज हम लोग सारा सोना चुरा लेंगे। सो यार चलो अंदर चल के देखते हैं आराम से। एंड ओके, ओ माई गॉड यार, गोल्डन लैम्बोस तो देखो यार कितनी मस्त लग रही है सारी की सारी। ओ माई गॉड, सबसे पहले यहाँ पे खड़ी है लैम्बोर्गिनी उरस, लैम्बो की एक लौती एसयूवी गड्डी, एंड बड़ी मस्त लग रही है भी। एंड इसके बाद दोस्तों मेरी फेवरेट लैम्बोर्गिनी टर्जो भी है यहाँ पे, ये भी अच्छी लग रही है। एंड देन यहाँ पे आई गेस ये एक लैम्बोर्गिनी सियान है। एंड यहाँ पे लास्ट में है हम लोग के पास लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर या हुरिकेन या पता नहीं जो भी इसे बोलते हैं, मेरे को सही नहीं पता, बट ये भी बड़ी मस्त लग रही है। चलो गाड़ियां तो सब बढ़िया है, अब चलो यार हम लोग थोड़ा और चेक करते हैं शोरूम के अंदर की सिक्योरिटी विक्योरिटी को। एंड ओ माई गॉड, ये भाई साहब कौन खड़े हुए हैं? एंड एक सेकंड, इनके पास ये चाकू क्या कर रही है? ओए भाई साहब, क्या करना चाहते हो मेरे साथ? मेरा खून करना चाहते हो क्या? अरे अरे जनाब, डर का आ रहा है हमसे? हम आपको मर्डर थोड़ी करना चाहते हैं, क्या फालतू बात कर रहे हैं? अगर आप मर्डर नहीं करना चाहते हो तो यार ये चाकू लेके क्या मेरे को डरा रहे हो? अरे चाकू लेके? अरे नहीं जनाब यार, आप तो एक नंबर के फट्टू है फट्टू। अरे इस चाकू से तो हम जरा शेब अपना काट रहे थे, शेब हम खाते ना तो शेब हम काट रहे थे। बताइए तो आप कभी काट दे? ए भाई मेरे को कुछ नहीं कटवाना अपना। अरे अरे काहे डर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ शेब काट दूं कि नहीं? आपके पास शेब हो तो बताओ, काट दूं आपका शेब। अरे नहीं यार, मेरे पास कोई शेब नहीं है भाई साहब। यार चाकू अंदर रखो यार, सही नहीं लग रहा है ये। अरे यार जनाब, बहुत डरपोक किस्म के आदमी है आप कसम से। खैर कोई बात नहीं, आप बोलती हैं तो रख लेते हैं अंदर। अब बताइए जनाब, कौन सी गाड़ी आप देख रहे थे? हम इस शोरूम के मैनेजर हैं, जो बोलोगे वो दिखा देंगे। हाँ मैनेजर जी, यार मैं आपके शोरूम की गाड़ियाँ देख रहा था। बढ़िया यार, अच्छी गाड़ियाँ हैं। सो यार मैंने गाड़ियाँ तो देख ली हैं, लेकिन अंदर से नहीं देखी है। क्या मैं जरा ये अंदर से देख सकता हूँ गाड़ियाँ? अरे हाँ जनाब, अंदर बाहर नीचे ऊपर हर जगह से देखिए। आइए आइए, दिखाता हूँ। चलिए जनाब चलिए, गाड़ी में बैठिए। ऑलराइट बैठता हूँ, ठीक है, जरा आराम से बैठ गया। ओके सो ओके नाइस यार मैनेजर जी, अंदर से तो काफी बैडास लग रही है लैम्बोर्गिनी, काफी सही लग रही है मेरे को। अरे जनाब सही लगेगी कैसे नहीं, लैम्बोर्गिनी है लैम्बोर्गिनी, वो भी गोल्डन वाली। पूरी दुनिया में केवल ऐसी 3 लैम्बोर्गिनी है जिसमें से एक में आप अपनी तशरीफ लेके बैठे हुए हैं। क्यों मजा आ रहा है ना? यार ये कैसी आवाजें निकाल रहे हो? अरे कौन सी आवाज जनाब? अरे हटो यार, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, मेरे को ठीक नहीं लग रहा गाइस। पता नहीं यार ये क्या कर रहा है मैनेजर। अरे जनाब क्या हो गया, गाड़ी से क्यों उतर गए? कुछ नहीं यार मैनेजर जी, मेरे को अच्छी लगी गाड़ी, बढ़िया थी गाड़ी थी, बस बहुत देख ली गाड़ी, से ज्यादा मेरे को नहीं देखनी। अरे चलिए ठीक है जनाब, बताइए तो कौन सी बुक कर दे? हाँ अभी मैं बताता हूँ जरा, लेकिन उससे पहले मिस्टर मैनेजर मैं ये बोल रहा था कि आपके यहाँ यार वॉशरूम होगा, मेरे को थोड़ा सा मूत्र विसर्जन लगा है। अरे जनाब जरूर जरूर, यहाँ ऊपर वाली सीढ़ियों से सीधा जाके लेफ्ट जाइए, फिर राइट जाइए, फिर लेफ्ट जाइए और आपको शौचालय मिल जाएगा। ऑलराइट थैंक यू मैनेजर जी, मैं बस 2 मिनट में वॉशरूम से होके आता हूँ। हाँ जनाब आइए आइए। अरे हाँ मैं तो आ रहा हूँ, लेकिन आप पीछे क्यों चल रहे हो? अरे जनाब आपको रास्ता दिखा दे पूरा, टॉयलेट सीट में आपको बैठा दे जनाब, वरना आप खो जाएंगे। अरे नहीं खोंगे यार, मैंने रास्ता पूछ लिया आपसे। अरे नहीं जनाब चलिए, आपको टॉयलेट सीट में बैठा के आते हैं। अरे नहीं यार भाई साहब क्या कर रहे हो, चुपचाप वहीं पे रहो। अरे यार जनाब ठीक है, हम यहीं पे खड़े होती हैं, आपका इंतजार करते हैं। हाँ ठीक है मैनेजर जी, है नहीं तो ओके गाइस, अब ये पीछा तो नहीं कर रहा, चलो सही है यार। यार ये मैनेजर की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही है, पता नहीं क्या कर रहा है तब से। एंड यार चलो गाइस, मैं वॉशरूम का बहाना बना के तो आ गया हूँ यहाँ बाहर। मेरे को एक्चुअल में टॉयलेट जाना नहीं है, मैंने झूठ बोला, ताकि मैं शोरूम को अंदर से अच्छे से देख सकूं यार कि ऐसी कोई खिड़की है क्या जिसको फान फूंद के हम लोग किसी तरह रात को इस शोरूम के अंदर आ पाए। यार कोई भी एक छोटी सी खिड़की भी मिल जाए ना जिसको फान फूंद के हम लोग आ जाए। ओके गाइस यार ये क्या चक्कर है? गाइस यार एक सेकंड यार, यहाँ पे ध्यान से देखो यार, यहाँ पे जो ये ऊपर छत वाली रूफ वाली विंडोज होती है, आई थिंक इनमें से एक विंडो गायब है ना, मिसिंग है ना। हाँ ध्यान से देखो, इन सारे में ग्लासेस लगे हुए हैं, लेकिन जो ये वाली ग्लास है, आई थिंक यार यहाँ पे कोई विंडो ही नहीं लगी है। ओ माय गुडनेस यार, लगता है ये वाली विंडो टूट टाट गई होगी तो इन लोग ने हटा दी अभी के लिए। लेकिन सही है ना, ये गायब हुई रूफ वाली विंडो का यूज करके हम लोग बताएं इस शोरूम के अंदर आ सकते हैं। बस किसी तरह हम लोग को इस शोरूम के रूफ तक चढ़ना पड़ेगा, एंड फिर हम लोग रात में आराम से एंट्री कर पाएंगे शोरूम के अंदर। सो या आई गेस ये चीज काम करनी चाहिए, एंड आई होप काम कर जाए। सो या चलो वापस से हम लोग एकदम नॉर्मली एक्ट करके नीचे चलते हैं मैनेजर जी के पास, एंड यहाँ से निकलते हैं। अरे जनाब कहाँ जा रहे हैं बताइए तो, मूत्र विसर्जन कैसी हुई? हाँ बहुत बढ़िया हुई यार, अच्छा लग रहा है, रिलीफ हो गया। अब मैं जरा चलता हूँ ठीक है। अरे जनाब कहाँ जा रहे हैं, गाड़ी नहीं चाहिए क्या? गाड़ी तो चाहिए मैनेजर जी, लेकिन वो मेरे को तो अभी एकदम से याद आया कि यार मैं तो गरीब हूँ, मेरे अकाउंट में बस यार 200 रुपए है, तो उसमें तो आप मेरे को कोई गोल्डन लैम्बो दोगे नहीं, तो थोड़ी मैं मेहनत करके आता हूँ लॉस एंटोस में, फिर 10-20 साल बाद आता हूँ यहाँ पे गाड़ी लेने, ठीक है? अरे जनाब यार ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हाँ ठीक है मैनेजर साहब, चलता हूँ फिर।
हाँ जनाब चलिए चलिए, लेकिन एक सेकंड इधर तो आइए। क्या सर? अरे यार हमारे शोरूम का रीति रिवाज है, जब भी हमारे शोरूम से कोई कस्टमर जाए तो हमारा फूल सूंघ के जाए। मेरा गुलाबी फूल तो सूंघ लो। अरे यार ये कैसे रीति रिवाज है यार, मेरे को नहीं सूंघना आपका कोई फूल। जनाब क्या नहीं सूंघना है आपको? भाई सब सूंघते ना सूंघते, मजाक कर रहे थे। फालतू में यार ये चाकू वाकू क्यों निकाल लेते हो? रुको मैं जरा सूंघता हूँ। मजा आ गया यार, क्या ही गुलाब है यार, मजा आ गया। मैनेजर जी आई ना मजा जनाब। हाँ आ गई मजा आ गई। सो यार फिर अब मैं चलता हूँ, अब मैं जा सकता हूँ ना? हाँ जाइए जाइए, आराम से जाइए, नौकरी करके आइए, पैसा कमा के आइए, फिर ही आना, नहीं तो फालतू में आपको पीटना पड़ जाएगा। अरे नहीं यार कोई इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हेड ओके गाइस। काफी ज्यादा खतरनाक शोरूम था ये, पता नहीं यार कैसा मैनेजर है यहाँ पे, पता नहीं अपने फूल सुंगा रहा है उसके बाद चाकू दिखा रहा है, करना क्या चाहता था ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। बट ठीक है गाइस, अपन ने प्लानिंग बना ली है चोरी चकारी करने कि हम लोग को बस के यार किसी तरह ऊपर जाना है, फिर शोरूम के अंदर कूद जाना है, अरे फिर हम लोग सारी गाड़ियां एक एक करके चुरा लेंगे, लेट्स गो। सिया चलो जल्दी से मैं घर जाता हूँ, थोड़े टूल्स वगैरह लेके आता हूँ, फिर हम लोग वापस से शोरूम के अंदर जाते हैं एंड डाका डालना स्टार्ट करते हैं। बाय द वे गाइस, जब तक मैं वापस लौट के यहाँ पे आ रहा हूँ, गाइस अगर अभी तक तुम लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेक श्योर कर देना, इससे भी मस्त वीडियोस में अपलोड करते रहता हूँ, एंड ऑल्सो इस वीडियो को लाइक भी कर देना, एंड लेट्स गो। ऑलराइट तो गाइस यार हो चुके हैं अब रात के 2:16 हो रहे हैं, एंड मैं अपने गाड़ी में बांध के ये सीढ़ियां ले आया था, एंड सीढ़ियों को दोस्तों मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है शोरूम में। सो यार अब हम लोग यार इन सीढ़ियों का यूज करके शोरूम की छत तक पहुंच सकते हैं इजीली, एंड या फिर आई थिंक हम लोग आराम से उस खिड़की के अंदर से शोरूम के अंदर जा पाएंगे, या पाएंगे यार ऐसे ही होना चाहिए। सो यार चलो दोस्तों चलते हैं, जो अपन ने सीढ़ियां प्लेस करी हैं उनका यूज करके जल्दी से शोरूम के छत में चढ़ते हैं। एंड लो भाई यार सारी सीढ़ियां चढ़ के हम लोग आ गए हैं शोरूम की छत में एकदम टॉप पे, एंड ये देखो दोस्तों ये रही वही खिड़कियां जो कि हम लोग ने सुबह देखी थी, एंड एक्चुअल में दोस्तों यहाँ पे इस वाली जगह पे कोई भी खिड़की नहीं लगी है, एंड अभी भी इसको रिपेयर नहीं करवाया शोरूम वालों ने। चलो सही है गाइस, हम लोग इस वाली खिड़की वाली जगह पे जाके ऐसे अंदर से ले जाएंगे शोरूम के, लेट्स गो। पहुंच गए हम लोग सही में शोरूम के अंदर, चलो बढ़िया है, अब हम लोग शोरूम के अंदर तो जा चुके हैं, अब चलो यार फटाक से डाका वाका डालना स्टार्ट करती है, एकदम आराम से चलते हैं अपनी गोल्डन लैम्बोस के पास। एंड एक सेकंड यार ये मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे एक बेड है एंड इस बेड के ऊपर कोई सो रहा है, एंड ये शोरूम के बीचों बीच सो रहा है, ये क्या चल रहा है यहाँ पे यार, शोरूम के बीचों बीच पे ऐसे कौन सोता है यार, ऐसा दृश्य तो मैंने पहली बार देखा है। खैर गाइस देखते हैं ये आखिर बंदा कौन है। ओह माय गॉड गाइस, अरे यार ये तो वही है गुलाबी फूल वाला पागल मैनेजर। अबे कैसा मैनेजर है यार, घर वर नहीं जाता क्या? सिक्योरिटी भी यही करता है, मैनेज भी यही करता है, सब यही करता है पागल आदमी। ये बहुत ज्यादा गहरी नींद में है, थोड़ी सी आंखें खोल के सो रहा है लेकिन सो अच्छे से रहा है। सो बताएं अगर हम लोग एकदम धीरे धीरे जाएं एंड अगर गाड़ी में बैठ के एकदम आराम से गाड़ी को बाहर ले जाएं शोरूम के, देन आई थिंक यार हम लोग यहाँ से बाहर जा सकते हैं, बस इसकी नींद किसी तरह नहीं खुलनी चाहिए। सो यार ऐसा करते हैं दोस्तों, पहले तो हम लोग अपनी लैम्बो एविंटाडोर के पास चलती है एंड चेक करते हैं क्या इस गड्डी में चाबी लगी है, एंड फिर इसमें बैठ जाती है। ओके खुली है, बहुत बढ़िया, चाबी लगी है, सही है। एंड अब एकदम थांबा थांबा इस गाड़ी को ले जाती है, मैनेजर सामने ही सो रहा है, इसको बिल्कुल भी आवाज नहीं आनी चाहिए। सो ला 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 ला, जीरो की स्पीड में एकदम आराम से ले जाते हैं, इंजन की आवाज ऐसे सुनाई नहीं देनी चाहिए। एंड ऑलराइट ये वाला गेट खुल गया है, आई थिंक यार यहाँ पे सेंसर लगा होगा, अंदर से अपने आप ही गेट खुल जाता होगा। तो चलो सही है, आराम से इस गाड़ी को बाहर निकाल लेती है। एंड ओ माय गॉड क्या बैड एस लग रही यार ये गोल्डन लैम्बो, एंड अब एकदम आराम आराम से ले जाती है, एंड अब 3-2-1 दोस्तों गाड़ी को उड़ा के निकल लेते हैं, लेट्स गो। हम लोग ने अपनी फर्स्ट लैम्बो स्टील कर ली है बॉयज एंड गर्ल्स, मैनेजर की नींद जरा सी खुली भी नहीं है, एंड हम लोग एकदम आराम से अपनी फर्स्ट लैम्बो स्टील कर ली है। सो गाइस अब चलो यार मैं जल्दी से इस गड्डी को खड़ी करके आता हूँ, एंड हम लोग अपनी नेक्स्ट गड्डी लेने चलते हैं, लेट्स गो।